हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही बैठे हुए एक बात दिमाग में आई तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। शायद आप लोगों को ये बात समझ में आए या कुछ लोगों को कोई जो कंफ्यूज होते हैं क्लिक कर जाए और कुछ को हो सकता है बेकार की बात लगे। आप मेरे पीछे बैठ देख रहे होगे, है ना, और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि पिछले 1-1.5 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं होटलों में ही रहता हूँ, मेरा घर होटल ही है। तो ये तो बेड फिर भी मेरे ख्याल से 5x6 का होगा। नॉर्मली मुझे होटल में किंग साइज़ बेड मिलते हैं जो 6x6 के होते हैं या उससे भी थोड़े बड़े होते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं हमेशा बेड का 20-30% हिस्सा ही मैं यूज़ कर पाता हूँ। मतलब एक तरफ सोता हूँ, मान लो इस तरफ सोया या इस तरफ सोया, तो उतने ही हिस्से पर फिर मैं दिन में कितनी बार भी उठूँ, बैठूँ, लेटूँ, उसी हिस्से में लेटता हूँ। तो इधर का एक साइड का हिस्सा ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ना तो चादर निकलती है। जैसे ये लोग मेकअप करते हैं तो चादर अंदर डाल के एकदम फिट करते हैं, जैसे अभी ये रूम क्लीन करके गए हैं, मेकअप करके गए, तो मतलब वो हिस्सा यूज ही नहीं आता है। तो जो मैं बोल रहा था कि भी आप लोग क्यों अननेसेसरी उस स्पेस को अपने पास ऐड कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है। जैसे ये तो चलो इनका एक प्रोफेशन है और हर आदमी अकेले नहीं आता है या हर आदमी मेरी तरह नहीं सोचता है, पर मैंने जनरली एक बात नोटिस की कि जब आपका काम 3x6 में चल जाता है, मतलब जितनी अर्थी होती है उतने ही आपका लगभग लगभग बेड का साइज़ बहुत है सोने के लिए। कोई बिल्कुल ही पीपा के लफनरों की तरह इधर हाथ पैर मार रहा है तो उसको तो पूरी धरती भी कम पड़ जाएगी। जिसने शराब पी के नागिन डांस करना है तो उसके लिए तो जगह ही कम है, वो तो 2-4 को इधर लात मार देगा, 2-4 इधर डांस करने वालों को गिरा देगा, है ना। वो सोते भी ऐसे ही है तो वो तो बात अलग है, पर नॉर्मली अगर आप देखो तो जितना एक अर्थी का साइज़ होता है उतना ही आपको ज़रूरत होती है जीते जी भी। और मैं तो वैसे भी बड़ा स्ट्रेट सोता हूँ, तो हम लोग क्यों मास्टर बेडरूम और किंग साइज बेड और बेडरूम और बड़ा और गेस्ट रूम और स्टोर रूम और पूजा रूम, अब तो भगवान का भी एक कमरा, मेहमान का भी एक कमरा, कबाड़ का भी एक कमरा, ये सब कमरे बनाने बनाने के चक्कर में अपनी कमर कमरा बन गई है। इतना लोड ले रखा है, आपको वजन कम करने की जरूरत है, लोड कम करने की जरूरत है हर चीज में। जमीन बड़ी खरीद लो, घर छोटा बनाओ कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको दिखें, आप उनको देख सको। आपके सोने के लिए कितनी जगह चाहिए, अगर आप 2 लोग भी हो तो कितनी जगह चाहिए, है ना। लोड कम करने की जरूरत है। ऐसे ही शरीर में भी लोड, भूखे रहने की आदत डालो। भूखे रहने से मतलब कि पेट हमेशा खाली रखो, जितनी भूख है उसको आधा खाओ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारा दिन क्या जानवरों की तरह चढ़ते रहते, क्योंकि जानवर भी लिमिट में खाते। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो नेचर ने उसके लिए आकार बनाया वो उस आकार से आगे पीछे निकल गया। पर इंसानों में देखो, कमर कमरा बन जाती है, टायर निकले पड़े होते हैं दोनों तरफ क्योंकि ठूसे जा रहे हैं। अभी कल लाइव में किसी ने बोला कि आप ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वीडियो बनाओ, मैरिज के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊंगा, पर मैं स्पेशली क्या बनाना, इन्हीं में मैं चीज़ें रिलीज़ करता हूँ। आप एक लड़की को पसंद करते हो अपनी मर्जी से या घर वालों की मर्जी से, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, ब्रह्म विवाह, चाहे वो लव मैरिज हो, खुद पसंद करके करो, गंदर विवाह जिसको बोलते हैं। दोनों ही सूरत में आप लड़की से शादी करते हो, लड़की एक लड़के से शादी करती है, उसको उसमें राजकुमारी दिखती है, उसको उसमें राजकुमार दिखता है। शादी के 6 महीने 1 साल बाद, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, और वैसे तो पूरे इंडिया की हालत है और बाकी देशों की भी होगी, पर मैं इंडिया की बात कर सकता हूँ, वो लड़की कब औरत और आंटी बन जाती है पता ही नहीं लगता। वो उसने शादी करी होती है लड़की से, लड़की की उम्र अभी बहुत ज़्यादा है उस फिट अंदाज में रहने की, पर वो तो बस ठूसने ठासने के चक्कर में वो लड़की से कब औरत और आंटी बन गई। अब वो लड़के के ड्रीम तो बीच में ही रह गए, उसने तो शादी करी थी एक मॉडल से और वो बाद में क्या हुआ। अब क्योंकि उनकी ज़्यादातर के अंदर हिम्मत नहीं होती है तो ना तो वो कुछ कह पाते हैं ना वो कुछ कर पाते हैं, पर टीस अंदर रहती है, फ्रस्ट्रेशन अंदर रहती है। इसके रीज़न बताऊंगा, ये टॉपिक सारे कनेक्टेड है, ये मत समझना कि मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूँ। सेम चीज़ आदमी के ऊपर भी लागू होती है, उसने भी जिस राजकुमार से शादी करी होती है वो तो भैंसा बन जाता है शादी के बाद,
ठूस ठूस के। अब बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं, मेरे अपने सर्कल में देखे हैं कि शादी के 3-4 महीने के अंदर उनकी तोंद निकल आई। पहले टमी थी, टमी से वो कब वो उनका वो मोटा सा पेट हो गया, और फिर वो कब आदमी की तरह बॉडी आदमी की तरह हो गई, तो वो बिहेव भी आदमियों की तरह करने लग गए, अधेड़ उम्र की तरह। तो दोनों में के ही सपने अधूरे रह गए। राजकुमार तो ढोल बन गया, राजकुमारी आंटी बन गई। अब जिंदगी भर एक दूसरे को झेल रहे हैं, हंस भी नहीं सकते क्योंकि खुद का भी शरीर ऐसा है। अगर इनमें से एक भी सही हो तो वो दूसरे को भी फिट रखेगा। जैसे मैंने जब पहली बार जिम ज्वाइन किया तो उसका एक वजह बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, जब मैं बिजनेस करता था दिल्ली NCR में, तो मेरे क्लाइंट फ्यूचर ग्रुप और ये जो बड़े बड़े शॉपर स्टॉप और इस तरह के क्लाइंट होते थे, तो इनसे मिलने के लिए मुझे मॉल वगैरह में जाना पड़ता था एडमिन से मिलने के लिए। तो वो एडमिन जनरली क्या होते हैं, बिजी होते हैं, 9 to 5 के गुलाम होते हैं, इतने बिजी होते हैं। तो वो कहते हैं राकेश सर आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, राकेश जी थोड़ा वेट कर लो। तो मैं क्या करता था, अब वो सारे महंगे महंगे मॉल हैं, कौन सा एम्बियंस मॉल गुड़गांव, DLF एम्पोरियम, DLF प्रोमिनेंट मॉल, ये सब जो नेल्सन मंडेला मार्ग पे वसंत कुंज में, ये सब हाई फाई मॉल है। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं मॉल में ऐसे ही घूमता रहता था। तो मैंने इन सारे हाई फाई मॉलों को जो अभी तक मैंने देखे थे, ईस्ट दिल्ली के मॉल जहाँ पर वो औरत साड़ी पाजेब झुमके वगैरह पहन के और आदमी प्रॉपर वो शादी वाला कोट पहन के तोंद निकली हुई है, वो आते थे मॉल में घूमने, मैंने उस तरह के मॉल देखे थे। तो जैसे लग रहा है कि मॉल में आए हैं या शादी में आए हैं, पता ही नहीं लगता था। तो जब मैं एम्बियंस मॉल और इस तरह के जब मॉलों में गया, तो ये थोड़े से हाई क्लास के मॉल है और थोड़ा सा दिल्ली से हटके हैं, पॉश इलाके में। तो वहाँ पर मैं जैसे घूमता रहता था कि भाई मेरे को वेट करना है, तो मैंने एक कॉमन चीज़ पाई, चाहे वो अमीर नकली हो चाहे अमीर असली हो, उनमें कॉमन बात थी कि वो सब फिट थे, बूढ़े हो जवान हो फिट थे, मतलब अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस थे ज़्यादातर, सभी नहीं पर ज़्यादातर। तो ये चीज़ मैंने कॉमन चीज़ पिक करी। मैं अपने घर आया मीटिंग के बाद और सुबह 6 बजे उठ करके मैं जिम चले गया पहली बार जिंदगी में, और बड़ी घबराहट हो रही क्योंकि जिंदगी में जिम देखा नहीं, अंदर से क्या होता है, लगता था चोचले हैं और ये तो किसी अलग क्लास के लोगों के लिए बना होगा। तो मैं अपने घर के आसपास के सबसे महंगे जिम में गया, सुबह 6 बजे गया, और 1 साल का मेंबरशिप मैंने अपना लिया और साथ में ही 1 साल का मैंने बिना पूछे अपनी वाइफ का भी लिया, क्योंकि मैं फिट हो जाऊं, मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, वो ना हो तो ये तो अपने आप में बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ना, अगर मैं लीडर ऑफ हाउस हूँ तो मेरी जिम्मेदारी यही है। अब आज भी मैं यहाँ बैंकॉक में हूँ या मैं कहीं भी घूमता हूँ, मैं अपने शरीर को ध्यान देता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, तो उनको भी फोर्स करके मैंने स्विमिंग में एडमिशन करवाया और अब वो स्विमिंग करते हैं, अब उनको मज़ा आता है, सीख रहे हैं, पहल सीख चुकी है, शोना भी सीख चुकी है, उनकी मम्मी अभी सीख रही है, वो भी थोड़ा बहुत आ जाएगा थोड़े दिनों में। अभी दोनों ने मिलके मुझे 5-6 दिन पहले बोला कि भी हमें जिम ज्वाइन करना, मैंने कहा करो, पूछने की भी ज़रूरत नहीं ऐसी चीज़ के लिए। हमें ना अपने शरीर से वजन को कम करना है, तो बात शरीर से वजन की नहीं है, हर तरह के वजन को कम करना है। अगर पैसा भी जरूरत से ज़्यादा है तो वो भी वजन है, अगर आपका घर जरूरत से ज़्यादा बड़ा है वो भी एक वजन है, उसको मेंटेन करना, उसको दिखाना, उसको चमकाना, उसको यूज़ करना, तो लोड कम करने की ज़रूरत है हमें हमारी। अगर आप ध्यान से बैठ के सोचो ना, आप जितना पैसे को लेके डरते हो, पैसे को लेके भाग रहे हो, सोच रहे हो, घबरा रहे हो, आ क्यों नहीं रहा, आ गया तो कहीं चला ना जाए, 10 मिनट के लिए शांत हो बैठो और सोचो कि एक्चुअल में आपकी नीड कितनी है। ये जो पलंग से बात शुरू करी थी हमने इस बेड से, तो एक्चुअली में हमारे बेड की नीड तो उतनी है ना जितनी अर्थी का साइज़ है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा कर लो अपने साइज़ के हिसाब से। कार, अगर आपकी कार सही चल रही तो ज़रूरत क्या है चेंज करने की, मैं कार के खिलाफ थोड़ी हूँ, आपकी कार बहुत बढ़िया चल रही है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात से दिक्कत है कि अब वो पुरानी हो गई है, मतलब नए मॉडल आ गए हैं, कंपनियाँ यही तो स्ट्रेटेजी करती है। लोग आईफोन के 15 के लिए देखा था ना कैसे वीडियो वायरल हो रहे थे कि लोग पागल हुए पड़े हैं, ब्लैक में ले रहे हैं 2-2 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये का फ़ोन 20-20, 50-50 हज़ार रुपये ब्लैक में ले रहे हैं, 6 महीने बाद वो धक्के खाता नजर आएगा और उसके अगले 6 महीने बाद 16 आ जाएगा, फिर 15 गया। कंपनियां इस ट्रैप का आपका फायदा उठाती हैं, क्या करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपने जिंदगी से वजन को कम करो। अभी मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वैसे भी बहुत कम सामान कैरी करता हूं अपनी ट्रैवलिंग में, इस बार
मैंने एक छोटा सा हैंड बैग है वो भी आधा, उसमें भी दो टॉयलेट पेपर रोल वगैरह है तो इसलिए थोड़ा सा वो लग जाता होगा, मतलब बहुत छोटा, उसमें तीन टी शर्ट, दो तीन निक्कर और एक दो जरूरी सामान, ये गिम्बल वगैरह बस। अब अगली बार से मैं गिम्बल भी नहीं कैरी करने वाला, इसको चार्जिंग मार के कुछ सस्ता सा छोटा सा ट्राईपोड ले लूँगा। जीवन से जितने वजन कम करोगे ना, आपको डर लगना उतना बंद हो जाएगा, क्योंकि वजन को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। लोग मुझे बोलते हैं आपको डर क्यों नहीं लगता, आप इतनी बदतमीजी से मुंहफट तरीके से आप बात कर लेते हो, किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, सब्सक्राइबर को बोलते हो भाड़ में चले जाओ, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो मेरे वीडियो देखते हो, या मैं जिस कसिनो वाले अपने चैनल पर जिस कंपनी से पैसा लेता हूँ प्रमोशन करने के लिए उसका नाम लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ वो भी जुए का अड्डा है बर्बाद, वहाँ भी हो जाओगे, या यूट्यूब को ही बोल देता हूँ कि भाड़ में जाए यूट्यूब, यूट्यूब से पहले भी मैं जिंदा था बाद में भी जिंदा रहूँगा। ये कोई अलग दिखने की होड़ नहीं है, ये चीज़, ये एटीट्यूड, ये अंदाज आपके अंदर आ जाता है जब आपको मालूम है कि मेरी ज़रूरतें बहुत कम है और वो बड़ी आराम से मैं पूरी कर लूँगा। जब जरूरतें हो कम तो ईमान में होगा दम, ऐसा कुछ डायलॉग भी है ना, जरूरतें, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे ईमान में दम है, क्योंकि जब जरूरत कम है तो डर किस बात का। मेरा घर आज भी 28,000 में चलता है, पैसे नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होगा, ट्रैवलिंग बंद कर दूंगा, 28,000 में तो कर घर चला ही लूंगा। वजन कम लादने की जरूरत है। अभी मैं मान लो गाड़ी ले लूँ, अभी लोग बोलते हैं आप ट्रैवलिंग में पैसा वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं कार खरीद लेता 10-15 लाख की तो आप कहते हैं हाँ ठीक है चलो जी तरक्की कर ली, तो वो 10-15 लाख रुपये वेस्ट नहीं होते। क्या करता मैं उस कार का चार्ज डालता, उस कार में लेट के शमशान घाट जाता, क्या करता मैं उसका। घर खरीद लेता हूँ, आप लोग कहते हैं मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अपने आप को और डेवलप कर रहा हूँ मेंटल लेवल पर, क्योंकि मेरा मानना है कि हर आदमी एक जिंदा किताब है, जितनी किताबें पढ़ोगे समझोगे आप उतने समझदार बनोगे और यही एक सफ़र है जीवन का, ठीक है। तो पर लोगों की तरक्की की परिभाषा ही कुछ और है। ट्रैवलिंग, कितना कुछ जानने सीखने को मिलता है। अभी एक बार बताओ, मेरा उन चीज़ों पर खर्चा नहीं जिन चीज़ों पर आपका होता है। मैं शॉपिंग नहीं करता हूँ, मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने कार नहीं खरीदी। आप मुझे ये बताओ मैं रेफरेंस क्या दे रहा हूँ। मैं अगर मान लो मुझे जो भी 100-200 लोग भी देखते हैं तो मैं उनको मैसेज क्या दे रहा हूँ। क्या मैंने शराब बियर पीते हुए कोई वीडियो डाला? क्या मैं गोवा की बीच बियर पार्टी शराब के रेट बता रहा हूँ? क्या मैं बैंकॉक में इस समय मैं नाना प्लाजा के आसपास हूँ जो यहाँ का वर्ल्ड का सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया है, और थाईलैंड का ये कहना है कि ये जो नाना प्लाजा कॉम्प्लेक्स है ये वर्ल्ड का पहला क्या है, सिर्फ सेक्स से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स है, एशिया का नंबर वन ऐसा कुछ लिखा हुआ उसको। क्या मैं उसके वीडियो डाल रहा हूँ? देखता हूँ यहाँ पे शाम को बहुत सारे यूट्यूबर घूम रहे होते हैं, किसी ना किसी यूट्यूबर के वीडियो में भी मैं दिख जाऊँगा, वो लगे होंगे क्योंकि नेगेटिव बिकता है तो बेच रहे हैं वो। मैं क्या दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं सैलेड खा रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। आप सोसाइटी में क्या डोज कर रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? जब आप एक मकान खरीदते हो ना, मकान होते हुए भी आप मकान खरीदते हो, तो एक्चुअली में आप समाज में गलत मैसेज डाल रहे हो कि तरक्की का मतलब मकान खरीदना है। आप जब एक कार खरीदते हो और लोगों को दिखाते हो, फेसबुक पर फोटो डालते हो, तो आप सोसाइटी में रैट रेस को बढ़ावा दे रहे हो कि भी देखो हमने कार खरीदी, यही है तरक्की। आप लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन हो। फिर दूसरा डालेगा तब तक आपकी कार पुरानी हो जाएगी, फिर आप एक नई कार खरीदोगे। मैं अगर मुझसे मेरे को कोई कॉपी करेगा तो क्या कॉपी करेगा कि 44 साल की उम्र में एक आदमी जिम करता है, स्विमिंग करता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है। क्या सीखोगे आप मुझसे कि 40 साल की उम्र में इस आदमी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई अकेले, वो भी बिना पैसों के? ये सीखोगे? शाम को सलाद खाता हूँ, फ्रूट सैलेड खाता हूँ, जूस पीता हूँ, ये सीखोगे? ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें मैं देखता भी हूँ, जीता भी हूँ, जिससे पर गलत मैसेज जाएगा मैं नहीं डालता हूँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मोर पावर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे 200 लोग देख रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है 200 लोगों के प्रति। तो अपने वजन को कम करो, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। पर एक पंगा है ना कि फिर किसको चमकाओगे और कैसे चमकाओगे? बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं मुझे, बहुत सारे क्या जो भी पुराने हैं एक दो, कि यार जिंदगी तू जी रहा है और हमें तेरी तरह जीनी है, पर हम जी नहीं सकते क्योंकि हम तो वही 30-40 लोगों के लिए जीवन जी रहे हैं। वो 30-40 लोग, वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोई ना किताब बता दे जो तूने पढ़ी हो, या कोई वीडियो बता दे जो तूने देखा हो। तू कहता था UPSC का मटेरियल जब लॉकडाउन था तो मैंने पढ़ा था, तो हमारे में भी कुछ चेंजेस हो जाए।
मैंने कहा दुनिया मेरे वीडियो देख रही है, मुझसे सीखना चाह रही है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि भी मैंने कहाँ से सीखा। मैंने कहा बॉस फिर क्या होगा, कह रहे फिर हमारे अंदर भी विचार बदलाव होगा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ बाकी चीज़ों का शोर आ रहा है ना, बाकी चीज़ों का शोर आ रहा है। पहले लिखा हुआ मिटाओ, ब्लैंक हो फिर नया लिखो। ऐसे कोई दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं बनी जिसको पढ़ करके आप अकलमंद बन जाओगे या क्रांति ला दोगे। आप किताब केवल रेफरेंस का काम करती है, क्रांति की आग आपके अंदर होती है। अगर किताब क्रांति ला सकती है तो बेस्ट सेलिंग बुक से तो फिर बहुत क्रांति आ सकती है। बहुत क्रांति आ सकती है, ऐसा नहीं होता। किताब तो मान लो 1 लाख लोगों ने पढ़ी तो 1 लाख के 1 लाख लोग थोड़ी बदल जाएंगे। बदलने का भाव जिसके अंदर होगा, जिसके अंदर बारूद होगा, उसी को तो चिंगारी लगाने का फायदा है ना। चलो ऐसे ही मेरा मन किया, मैं अभी जा रहा था मोचित बस स्टैंड, तो मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, अभी वो बिस्तर उन्होंने ठीक किया ना, तो मैंने कहा यार मैं इतने हिस्से के बिस्तर मैंने यूज़ करता हूँ हर बार, चाहे वो मैं UAE में हूँ, रसल खेमा में, दुबई में हूँ, कहीं भी हूँ। तो क्यों हम, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। सोचना एक बार, अगर आप सोच सको, बाकी आपकी मर्जी है, आप देखना बहुत बहुत अच्छा लगेगा। वजन कम होगा ना, आप कभी ट्रैवलिंग करते हो ना तो सूटकेस में खूब कपड़े भरते हो, कभी आप एक दो जोड़ी कपड़े लेकर के जाके देखना क्या मज़ा आएगा, क्या कॉन्फिडेंस होगा। लोग आते हैं गोवा में 5-5 सूटकेस लेकर के आते हैं, 4-5 दिन के लिए आए हैं, दुनिया भर के कपड़े लेकर के आते हैं। मुझे तो ये 3-4 में भी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा मतलब यूज़ ही नहीं हो रहा है। अभी तक सिर्फ 2 टी-शर्ट यूज़ हुई है पिछले 5 दिन में 6 दिन में। चलो बाकी आपकी मर्जी, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, और बकवास लगा हो तो अपना टाइम एनर्जी मत वेस्ट करना, सीधा दफा हो जाना। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।